अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी। हमारा आज का मौजू बहुत अहम है और जिन चीज़ों के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा ये बेहद नुकसानदेह है और हमारी पूरी कौम को बीमार बनाने में इन चीज़ों का बहुत रोल है। लेकिन बदकिस्मती से बचपन से हम भी इनकी मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स, मुख्तलिफ इश्तहारात अखबारों में, टीवी पर, सिनेमा हॉल्स में देख देख कर हमारे लिए अब ये एक रूटीन बन चुकी है, बहुत फैशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और जब तक ये चीज़ें हम कोई मेहमान आता उसको ना दें तो ये समझा जाता है कि उसकी इज्जत ही नहीं हुई, उसको तो कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं गया। तो मेरा ख्याल है आप काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके होंगे मेरे मौजू के। जी हाँ, मैं आज कोला मशरूबात और मस्नूई फ्रूट जूसेस के बारे में बात करूंगा कि ये किस हद तक हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब अगरचे ये कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, उस पर कोला मशरूबात के बगैर तो हमें खाना हजम ही नहीं होता, हर खाने के बाद हमने ये ज़रूर पीना। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये हाजमा नहीं करते बल्कि ये तबाही कर देते हैं हमारे में, और इनके अंदर जो अज़ा मौजूद हैं वो हमारी सेहत के लिए संगीन खतरात का बायस बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहला जो अहम नुकसान है जिसकी वजह से आज हमारी कौम जो है उसमें 30.8% लोग जो हैं वो कन्फर्म डायबिटिक्स हो चुके हैं। आप सोचें, अगर 1/3 आबादी तो आपकी शुगर से मरीज बन चुकी है, जबकि इससे इतनी ही आबादी जो है वो प्री डायबिटिक हो चुकी है, यानी कि वो तकरीबन उनके अंदर शुगर काफी बढ़ती जा रही है। और अगर वो इसी तरह खाते पीते रहेंगे, इसी तरह की गजाएं इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी किसी वक्त भी शुगर हो सकती है। लिहाजा हमें ये देखना पड़ता है कि वो चीजें जो चीनी हमें ज्यादा दे रही है, चीनी बहुत एक बड़ा मीठा जहर है, और ये जो कोला मशरूबात है, मसनूई फ्रूट जूसेस हैं, इनमें बहुत ज्यादा चीनी इस्तेमाल हो, और अगर आप कोक की बोतल पीते हैं तो उसमें कोई 10-12 चम्मच चीनी जो है वो उसमें डाली जाती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वजन बढ़ता जा रहा है, मोटापा हो रहा है, शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, दिल की बीमारियां हो रही है। तो चीनी इतनी ज्यादा इस्तेमाल करनी बहुत नुकसानदेह है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो तो चीनी हो, क्योंकि इसमें ज्यादा चीनी इसलिए डाली जाती है कि कोला मशरूबात जो है ये कड़वे होते हैं, इसके कॉन्टेंट जो बहुत कड़वे होते हैं, उसको मीठा करने के लिए इसमें बड़ी मकदार में चीनी डाली जाती है। इसी तरह जो मसनूई जो जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस, उनमें भी अक्सर औकात कोई फ्रूट नहीं होता, बस फ्रूट का एक फ्लेवर होता है, एक जायका होता है, और बाकी सब चीनी होती है जिसको हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं कि आज अनार का जूस पी रहे हैं, आज हम मैंगो जूस पी रहे हैं, आज हम अमरूद का जूस पी रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद जो चीज़ें हमें नुकसानदेह होती हैं इन कोला मशरूबात में खासतौर पर, कि इनमें खासतौर पर जैसे शुगर फ्री भी बनाए जाते हैं कई, और इसी तरह जो मुख्तलिफ फ्रूट जूसेस बनाए जाते हैं उसमें मज़ीद बचत करने के लिए चीनी की जगह मसनूई मिठास डाल दी जाती है, जैसे एस्पार्टेम है, जैसे सुक्रोज है या स्क्रीन है। ये जो मसनूई मीठे हैं ये सस्ते तो पड़ते हैं लेकिन इनके भी बेहद नुकसान हैं हमारी सेहत के ऊपर। इसके अलावा इन मशरूबात में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सूप्स, कॉर्न सिरप, जो चीनी से भी ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जो मुख्तलिफ हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स होते हैं इसमें, इनसे हमारे जिगर को बड़ा नुकसान, और ये जो आजकल फैटी लिवर वगैरह इस तरह की चीज वो सारी बेसिकली इनकी वजह से। उसके बाद एक और मुजरे से चीज जो है वो है फॉस्फोरिक, ये भी कोला मशरूबात में होता है, और ये हड्डियों और गुर्दों के मसाइल पैदा करते हैं। उसके बाद कोला मशरूबात में कैफीन भी होती है जिससे दिल की धड़कने बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और बेचैनी का सबब बनता है, तो ये भी एक नुकसानदेह चीज होती है। इसके बाद इन मशरूबात में मसनूई रंग इस्तेमाल होते हैं, मतलब जब अनार बनाना है तो उसका रंग डाल दिया, अगर आपने कोई और ड्रिंक जो भी बनानी है ड्रिंक उसके मुख्तलिफ कलर्स हैं वो मसनूई रंग डाले जाते हैं। फिर इनको प्रिजर्व करने के लिए ऐसे हिफाजती अज़ा डाले जाते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, ताकि ये काफ़ी अर्सा ख़राब ना हो और इसको सप्लाई किया जा सके मुल्क के तुलो अर्ज में, तो ये भी जो है बड़ा खतरनाक है सोडियम बेंजोएट, और इससे कैंसर वगैरह भी हो सकता। तो इसी तरह ये जो मसनूई रंग है जब, और ये जो चीनी है जब बच्चे पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनमें भी बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके बाद एक और अहम फैक्टर ये है कि आप पी तो रहे हैं अनार का जूस, आप पी तो रहे हैं
आम का जूस आप पी तो रहे हैं, माल्टे का जूस, और बड़े खुश हैं कि जी हमने तो बड़ी एक न्यूट्रिशियस चीजें हमने पी ली हैं। लेकिन इनफैक्ट इनमें क्योंकि ये सारे मसनूई होते हैं तो गुजाई ज्यादा तो इसमें होते ही नहीं, और जरूरी विटामिन और जरूरी मादनियात इनमें होते ही नहीं, तो चुनाचे ये भी एक नुकसान है। तो इन सारी चीजों को बताने के बाद मेरा ख्याल है कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन चीजों से निजात हासिल करनी चाहिए। ये सिर्फ मुख्तलिफ कंपनी जो है वो मुनाफा कमाने के लिए हमें ये चीजें पिलाती, लेकिन अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो हमें ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है काफी अर्सा पहले, आप काइंडली उसे भी देखिएगा। उसमें मैंने ये बताया है कि हमारे मुल्क में बरसगीर पाको हिंद में सदियों से ये कोका कोला या पेप्सी कोला या दूसरे कोला ड्रिंक्स और दूसरे मसनूई जो फ्रूट जूसेस हैं ये तो आज तक कोई पीता ही नहीं था। हम लोग तो लस्सी पीने वाले लोग थे, हम लोग तो सरदाई पीने वाले लोग थे बादाम की, हम लोग तो मुख्तलिफ आम के और दूसरे चीजों के रियल जूसेस खुद बना के घर में पीते थे। तो इसी तरह हम स्कंजबीन वगैरह हमारे रवायती जूसेस यही हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वो देखें, वो वाली वीडियो भी देखें, उससे आपको पता लगेगा कि वो कौन से मुख्तलिफ देसी मशरूबात हैं जो आप घर में भी बना सकते हैं, ना आपको इतना ज्यादा महंगे कोला ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस खरीदने पड़ेंगे जो कि आर्टिफिशियल हैं। और आप जब वो चीजें पियेंगे बना के घर में तो कीमती जरे मुआदला भी बचेगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, उनकी ग्रोथ ठीक रहेगी। तो वीडियो के अख्ताम में मैं फिर एक दफा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये मसनूई जो शरबत हैं और जूसेस हैं ये बेहद नुकसानदेह हैं, इनको इस्तेमाल करना छोड़ दें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।